सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो नर्सरी राइम्स वगैरह हम पढ़ते आए हैं और आसमान में जो तारे हैं ट्विंकल करते हैं, हमने ये पढ़ा, ये समझते आए, राइट। तो आज पता चलेगा कि कोई तारा टिमटिमाता नहीं है भाई, उधर कोई ट्यूबलाइट नहीं लगी हुई है चालू उधर भुक 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 करने लगे, है ना, या बस स्विच चालू बंद कोई कर रहा है, लाइट चालू बंद ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो अपनी एक नॉर्मल लाइट इमर्ज मतलब एमिट करते रहते हैं, फिर भी हमको टिमटिमाते हुए देखते हैं, क्यों टिमटिमाते हुए दिखते हैं, आज वो रीज़न जान जाएंगे, यानी आज आप नर्सरी से बाहर आ गए हो, ठीक है। तो वही टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स डिस्कस करने के पहले मैंने ये बना दी है धरती माँ। बॉर्डर पिक्चर देखी है आपने, जिसने नहीं देखी उसको नहीं पता होगा, लेकिन जिसने देखी होगी वो समझ गया होगा, ठीक है। तो जाओ पहले बॉर्डर मूवी देखो, वहाँ समझ में आएगा, ये धरती मेरी माँ है सर, ये माँ शेर भी पैदा करती है। ओके, तो ये धरती हो गई हमारे अर्थ, ठीक है। ये अर्थ पर हमारा चिंटू आके खड़ा हो गया, उसकी आँख इधर है, ठीक है, ओके। ये हमारा तारा है। अच्छा बोलोगे तारा तो ऐसा होता है, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। तो ये तारा ऐसा होता है, पर ऐसा कोई तारा नहीं होता, ठीक है। तारा एक तरह से देखा जाए तो एक बॉल ही होता है, वो भी गोला ही होता है, मैंने ऐसा एक तारा बनाया, ठीक है, ओके। ये तारे की एक्चुअल पोजीशन है और ये तारे की अपेरेंट पोजीशन है। अभी अपेरेंट पोजीशन क्या हो गया भाई, तो देखो बात क्या है कि स्टार्स से जो लाइट आती है, ठीक है, स्टार्स तो बहुत दूर हैं, वहाँ से पूरे मतलब स्पेस में लाइट ट्रैवल करते, मतलब वैक्यूम में ट्रैवल करते करते आती है, और जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है लाइट, तो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने लगता है, ठीक है, लगातार, जब एटमॉस्फेयर के ऊपर से नीचे तक हिस्से में, ठीक है। मान लो हमारा ये वाला इतना हिस्सा हमारा एटमॉस्फेयर का ले लो, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जब लाइट एंटर होगी तो वो लगातार बेंड होती रहती है, बेंड होती रहती है, बेंड होती रहती है, क्योंकि लगातार ऊपर से नीचे तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स, देखिए सबसे मेन फैक्टर क्या है, तो एयर का ना मतलब डेंसिटी, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हो आप, नीचे की तरफ डेंसिटी बढ़ती जाती है, नीचे डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऊपर डेंसिटी कम होती है, ऊपर डेंसिटी और कम होती है, ठीक है। तो उस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है। अब मैं एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, अब वापस बता रहा हूँ, बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि किसी ऑब्जेक्ट की मटेरियल डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, पर इस केस में, ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं वैसा ही होता है यहाँ पर एक्चुअली में, कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो डेंसिटी भी बढ़ती जाती है एटमॉस्फेयर की, और उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाता है। तो लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज़्यादा होता है, लाइट कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में एंटर होती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे बनाएं अगर, ठीक है, अपन यहाँ पर एक नॉर्मल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, लाइट ऐसे आई तो थोड़ा सा इस तरफ बेंड होगी, है ना, फिर आगे एक और नॉर्मल बनाओ आप तो वो फिर ऐसे बेंड होगी, और नॉर्मल बनाओ तो नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी लगातार, तो ये लाइट ऐसे बेंड हो गई आपकी ऑलमोस्ट, है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिलता है कि जब एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर होती है तो लगातार वो बेंड होती जाती है, बेंड होती जाती है, और यहाँ ऑब्जर्वर के पास पहुँचती है। तो मान लो यहाँ मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट एंटर हुई, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो स्टार है वो है तो यहाँ, लेकिन यहाँ से आने में लाइट लगातार बैंड होकर यहाँ पहुँची है, तो ये ऑब्जर्वर को ये स्टार कहाँ दिखेगा, पता है, हमारा ब्रेन इसको, इस इमेज को इस तरह से प्रोसेस करेगा कि ये इमेज यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में स्टार यहाँ पर है, लेकिन हमको दिखेगा कहाँ, उससे ऊपर, ठीक है। तो ये एक खास चीज, इसलिए मैंने अपेरेंट पोजीशन लिखा है, मतलब ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, ये पोजीशन आपको दिख रही है पर एक्चुअल पोजीशन क्या है, यहाँ पर। तो जब भी आप किसी स्टार को ऑब्जर्व करते हो, होराइजन के पास अगर आप किसी स्टार को ऑब्जर्व करते हो, तो जहाँ वो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक्चुअली में उससे वो नीचे होता है, ठीक है, आपको वो ऊपर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन उसकी उससे थोड़ी सी नीचे होती है। क्लियर है, पक्का, क्योंकि लाइट कंटिन्यूसली बेंड हो रही है, तो जो आपको दिख रहा है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, हालांकि वो उससे नीचे होता है एक्चुअली में, ओके। तो ये एक बात हो गई कि स्टार की जो आपको पोजीशन दिख रही है वो अलग दिख रही है, ओके। अब बात आती है कि टिमटिमा क्यों रहे हैं, एक तो ये पोजीशन का प्रॉब्लम है, दूसरा क्या है, देखो कि ये जो लाइट जब एंटर हुई है आपके रिफ्रैक्टिव मतलब एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जगह पर फिक्स नहीं होता, ठीक है, एक जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन आते रहती है, एयर मूवमेंट होती है, डेंसिटी चेंज होती रहती है, गैसेस का कंपोजिशन चेंज होता है, बहुत कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जब लाइट ट्रैवल करती है ना एक्चुअली में, तो ये भी ऐसे सीधे सीधे नहीं आ जाती है, ठीक है, ये भी ऐसे zigzag ट्रैवल करती हुई आती है, ठीक है, कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा कम, ऐसा अलग अलग चेंज होता रहता है, ठीक है। अब बोलोगे कि अच्छा तो फिर तो ये पूरी नाश्ते नाश्ते कहीं पर भी दिख सकती है, ऐसा नहीं है, ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ से नीचे तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता ही जाता है,
लेकिन बीच में कुछ कुछ हिस्सों में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 से ऊपर एकदम 100 था और नीचे मान लो 10 हुआ, ऐसा मान लो एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि टॉप पर एकदम 100 था और एकदम बॉटम पर 10 था, तो इस बीच में यहाँ से कम होगा तो 90 होगा, फिर हो सकता है 91 हो, फिर 89 हो, फिर 87 हो, फिर 89 हो, 90 हो, 60 हो, 55 हो, समझ में आ रहा है? तो ये लगातार कम तो होगा लेकिन आपस में बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता रहता है, ओवरऑल नीचे तक डिक्रीज ही होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवरऑल नीचे तक डिक्रीज हो रहा है लेकिन बीच में कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए लाइट जो है वो ज़िगज़ैग ट्रैवल करती है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, ये पूरा रीज़न नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी होता है कि आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। दूसरा क्या रीज़न है, इंटेंसिटी चेंज होती रहती है। अच्छा, ये इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है वो देख लेते हैं अपन। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि मान लो ये मेरा एक स्टार है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, या ये ऑब्जर्वर की आई है, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं अपन। तो ये स्टार से मान लो ट्रैवल करती हुई कुछ रेज आई, सपोज 3 रेज आई, ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर हुई, ये इसको स्टार दिखा, ठीक है। अब हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आने की वजह से ये जैसा जैसा आ रहा था इस बार ये ऐसा ऐसा आके ऐसा निकल गया और ये ऐसा आके ऐसा निकल गया, ठीक है। तो बहुत सारी रेज आ रही थी, पहले 3 रेज आई तो तीनों रेज इसकी आंख में एंटर हुई, इस बार ऐसा हो सकता है कि 3 के बदले 2 ही एंटर हुई, मतलब 2 निकल गई, 1 ही एंटर हुई आंख में, ठीक है। तो मतलब ये 3 और 2 का एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारी रेज आती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी रेज आ रही हैं, ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर हो रही हैं, तो एक वक्त उसको उसकी कुछ इंटेंसिटी दिखती है स्टार की, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगले ही पल कुछ रेज वहाँ से अलग हो जाती हैं, तो उसको कुछ और इंटेंसिटी दिखती है। हो सकता है इस बार रेज ज़्यादा मिले, हो सकता है इस बार रेज कम मिले, ज़्यादा रेज मिलेंगी तो ब्राइट दिखेगा, कम रेज मिलेंगी तो वो डिम दिखेगा, है ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो लगातार जो रेज एंटर हो रही हैं इसके आंखों में, वो क्योंकि ये लगातार फ्लक्चुएशन होता है ना इस तरह का, ठीक है, इस तरह का जिगजैग पाथ ट्रैवल करती हुई आ रही हैं, तो कभी कभी ज़्यादा रेज एंटर होती है, कभी कभी कम एंटर होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इस वजह से ये जो लाइट है कभी स्टार की लाइट ज़्यादा दिखती है, कभी स्टार की लाइट कम दिखती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इस वजह से ये हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है, जैसे कोई लाइट चालू बंद कर रहा है, समझ में आया पक्का? तो ये हमारे तारों के टिमटिमाने का रीजन हो गया, क्लियर है? सो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। अच्छा, तो ये बात हो गई, अब बात करते हैं अपन कि प्लैनेट्स ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते, प्लैनेट्स का क्या प्रॉब्लम है। तो प्लैनेट्स का ये प्रॉब्लम है कि देखो, प्लैनेट्स स्टार के कंपैरिजन में अर्थ के काफी पास होते हैं, ठीक है, स्टार्स के कंपैरेटिवली प्लैनेट्स हमारे काफी पास हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स पास हैं इसलिए हम प्लैनेट्स को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बड़े साइज का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां ये कैसे बना हुआ है, ये ऐसे, ये तारे को मैंने एक डॉट की तरह दिखाया, ऐसा मान लो कि ऐसे कई डॉट्स का ये प्लैनेट बना हुआ है, ऐसा मान लो, ठीक है। यहां से भी अभी यार स्टार तो बहुत बड़ा होता है, स्टार तो प्लैनेट्स के भी कई गुना बड़ा होता है, लेकिन वो इतने दूर होते हैं हमसे कि वो ऑलमोस्ट हम उनको डॉट की तरह कंसिडर कर रहे हैं, एकदम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन प्लैनेट्स हमारे काफी पास होते हैं। तो भले ये स्टार से बहुत छोटे होते हैं लेकिन हैं हमारे काफी पास, इसलिए ये काफी बड़े दिखते हैं। तो यहां से ऐसा समझ लो ना, इसको आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि यहां से बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। अब मान लो 10,000 लाइट रेज आ रही हैं, उसमें से 100-200 अलग हो गई, ठीक है, 800-900 ही आई, तो भी आपको 1,000 से 900 में कोई खास फर्क नहीं पता चलेगा, समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी चेंज हो रही है डेफिनेटली, जो स्टार्स के साथ हो रहा है ना वही प्लैनेट्स के साथ भी हो रहा है, प्लैनेट्स से भी आने वाली जो लाइट्स हैं, अब बोलोगे प्लैनेट की तो लाइट ही नहीं होती, अरे भाई उस पर जो टकरा कर वापस आती है वही लाइट, तो जो वहां से लाइट्स आ रही हैं हमारी आंखों में वो भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से कंटिन्यूसली ज़िगज़ैग पाथ ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन क्योंकि वो एक एक्सटेंडेड सोर्स है, ठीक है, एक बड़ा सोर्स है, तो वहां से बहुत सारे अमाउंट में लाइट आती है, तो जिसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं ना इंटेंसिटी में, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चेंज आ रहा है ना आपको, वो कुछ खास ऑब्जर्वेबल नहीं होता, ठीक है, कोई खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत कम उसका असर होता है, वो आप नोटिस नहीं कर पाते हो, ठीक है। पर एक्चुअली में ये भी ट्विंकल, मतलब ट्विंकल नहीं कहेंगे कि मतलब इनके साथ भी वैसा ही होता है जैसे स्टार्स के साथ होता है, लेकिन ये एक्सटेंडेड सोर्सेस है। तो यही बात हो गई प्लैनेट्स की, कि भले ये कई ऐसे छोटे छोटे सोर्सेज का आप इसको कलेक्शन मान सकते हो, लेकिन इन सब, ये सब के सब छोटे छोटे सोर्सेज भी टिमटिमा रहे हैं, जैसे तारा टिमटिमा रहे, वैसे ये सब छोटे छोटे सोर्सेज, मतलब सोर्सेज भी आपको टिमटिमाते हुए ही नजर आएंगे, लेकिन इन सब का ओवरऑल इफेक्ट ऐसा होगा कि आपको, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक और तरीका समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पर 100 डॉट्स कंसिडर कर लो, फॉर एग्जाम्पल 100 डॉट्स कंसिडर कर लो, तो उसमें से हो सकता है कि ये वाला
इसके थ्रू जो आने वाली रेस थी वो कम हो गई, यानी कि इसकी इंटेंसिटी आपको कम दिखेगी तो उसके बदले बगल वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखे या इस वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखे, इसकी कम हुई तो इसकी ज़्यादा दिखेगी, इसकी ज़्यादा भी तो इसकी कम दिखेगी, तो ये ओवरऑल इफेक्ट ऑलमोस्ट कैंसल आउट हो जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्लियर है? अच्छा, तो ये तो बात हो गई एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन इसका भी और ये एक्सप्लेनेशन इसका भी। आपको एग्जाम में कितना लिखना है? आपको एग्जाम में सिर्फ उतना लिखना है जितनी लाइनें टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं। समझ में आया? जितना कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा है बस उतना ही आपको लाइन टू लाइन लिख देना है पॉइंट वाइज, क्लियर है? आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगर हाँ आप थोड़ा बहुत लिखते हो तो कोई इशू नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपके मार्क्स काट ले जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस बनने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, विच फिजिकल फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो आप लिखो क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन। ठीक है, जैसे आपने इसके पहले रेनबो वाला पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, हालांकि वो भी एक तरह का रिफ्रेक्शन ही है। और इसके लिए अगर रीज़न पूछा जाए विच फिजिकल फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सो वी यू विल राइट व्हाट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, कि एटमॉस्फेयर का रिफ्रेक्शन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के इफेक्ट के लिए। तो वाकई में कोई स्टार ट्विंकल नहीं करता, वो तो बस इस रिफ्रेक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन की वजह से आपको वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, बट रियलिटी में कोई स्टार ट्विंकल नहीं करता। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तो मैं जा रहा हूँ सुनील शेट्टी से मिलने, बॉर्डर मूवी देखनी है, और तुम जाओ पढ़ाई करने, ठीक है, क्योंकि आपके पास यही एक काम है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।